what to do, where's my hotel, I got one address in my hand but I don't know. So this is मेरी life. Euro trip. ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके लिए मैं तकरीबन 20 से 25 लोगों को फेस टू फेस बैठकर बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ और क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे आपने इनिशिएट करना है, कैसे आपने अपनी कॉस्ट को, खर्चे को कम से कम रखना है, क्या आपका प्लान होना चाहिए और क्या डेस्टिनेशंस यूरोप की आपको सूट करेंगी और अगर आप कितने दिन के लिए जा रहे हो उस हिसाब से। तो मैंने ये सोचा कि इस पर एक मैं प्रॉपर वीडियो ही बना के डाल दूँ ताकि सब लोगों को सपोर्ट हो जाए, सब लोग बजाय कॉल करने के या वैसे पूछने के देख लें सब लोग। अगर आप नए मेरे चैनल पर या फिर आप आते हैं और देख के चले जाते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और क्लिक कर दें बेल आइकन को ताकि आने वाली भी मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल जाएं। तो शुरू करते हैं। ये बात है फरवरी 2016 की। फरवरी 2016 को मैंने प्लान किया कि यार बहुत कमा लिया और बहुत बचा लिया, अब थोड़ा उड़ाते हैं। तो उस उड़ाने के चक्कर में मैंने कहा कि कौन सी डेस्टिनेशन बेहतर है। पहले प्लान बन रहा था कि मलाइशिया, सिंगापुर वगैरह इस तरफ जाया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब जा ही रहे हैं तो बेहतर है फिर यूरोप ही चलें, यूरो ट्रिप करके आए। तो इन्फॉर्मेशन ली मैंने डिटेल्स में सारी आगे पीछे, क्योंकि यहाँ पे ओमान में तकरीबन तमाम ही एम्बेसीज मौजूद हैं। पाकिस्तान में एंड या दूसरे कंट्रीज़ में क्या होता है कि आपको किसी कुरियर वाले के थ्रू जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंटेशन भेजने के लिए, आपकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती एम्बेसी में, लेकिन यहाँ पे तमाम एम्बेसीज ही मौजूद हैं और एम्बेसी आपको डायरेक्ट डील करती है। तो जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो मुझे पता चला कि जर्मन एम्बेसी जो है वो बेस्ट है, इटालियन एम्बेसी और जर्मन एम्बेसी, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड और हॉलैंड, नैदरलैंड वगैरह जो एम्बेसीज़ हैं वो लोग आपको डायरेक्ट डील नहीं करती, वो VFS ग्लोबल के थ्रू आपको डील करती हैं, उसमें चांसेस कुछ कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। पहले मैंने इटालियन एम्बेसी को अप्रोच किया, लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उसको फुलफ़िल करना प्रॉब्लम था, तो मैंने फिर जर्मन एम्बेसी को अप्रोच किया और जर्मन एम्बेसी के थ्रू मैंने अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई किया। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि किस तरह से मैंने वीज़ा अप्लाई किया, और ना सिर्फ मैं यूरोप गया, उसी वीज़े पर मैं टर्की भी होके आया। टर्की का क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अच्छा, जब मैंने इन्फॉर्मेशन सारी डाउनलोड की तो जर्मन एम्बेसी की सारी इन्फॉर्मेशन, उनका एक पेज था पूरा उनकी वेबसाइट पे, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन वो लिखी हुई थी, उसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ अभी नीचे। उसमें यह था कि आपने अपने टिकट की जो बुकिंग्स हैं वो देनी है कि किस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हैं और किस डेट को आप वापस आ रहे हैं, और जो शेंजन वीज़ा का फॉर्म आप फिल करते हैं उसके अंदर वो तमाम डिटेल लिखी होती है, किस किस कंट्री में आप जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप ठहर रहे हैं, क्या डिटेल है वो पूरी उसके अंदर होती है। मेरा ट्रिप सिर्फ 9 दिन का ट्रिप था और 9 दिन में मैंने प्लान किए हुए थे 6 कंट्रीज़ कवर करना, 6 मुल्कों को कवर करना था मुझे 9 दिन में। तो उतना मैं इस्तांबुल में था टर्की में, उसके बाद एक दिन रुक के नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट जो थी वो बर्लिन की फ़्लाइट थी जर्मनी की, देन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैं जर्मनी में था और जर्मनी एक दिन पूरा सुबह से लेकर रात तक रुक के, फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग मेरी जर्मनी से इटली की फ़्लाइट थी रोम की। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर रोम पहुंचा। रोम के बाद फिर मैं आपको स्टोरी बता दूँ, पहले आपको डॉक्यूमेंट बता दूँ। तो शेंजन वीज़ा का फॉर्म फिल किया, उसके बाद मैंने टिकट बुकिंग्स दी, उसके बाद मैंने होटल की रिजर्वेशन दी, जहाँ जहाँ मैं जा रहा था मैंने अपनी अर्ली रिजर्वेशन सारी करके रखी थी, वो रिजर्वेशन दी सारी। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने एक्सा वालों से करवाई थी, 15 रियाल ओमानी उन्होंने मुझसे लिए थे उस वक्त 15 डेज़ की इंश्योरेंस के लिए, वो मैंने इंश्योरेंस उनसे करवाई। उसके बाद कंपनी का एक लेटर होता है NOC लेटर कि यार ये बंदा हमारा है वेकेशंस पे जा रहा है और वेकेशंस के बाद जो है ये अपना एनुअल वेकेशन के बाद वापस आ जाएगा। तो वो लेटर लिया कंपनी से, सैलरी स्लिप ली, बैंक स्टेटमेंट ली मेरी जो अकाउंट में थे कि क्या अमाउंट रखी हुई है, क्या ट्रांजेक्शन से कितनी सैलरी वगैरह, ये और 2 फोटो और शेंजन फॉर्म फिल करके वो मैंने उनको जमा करा दिया। तो विद इन 5 डेज उन्होंने एक छोटा सा मुझसे एक दो चीज़ें पूछी जो काउंटर पर बैठे हुए थे लोग, वो ज़्यादातर इंडियन ही होते हैं, इटालियन या जर्मन बहुत कम होते हैं, नॉर्मली इंडियन या कोई दूसरी नेशनल्स होते हैं जैसे नेपाली, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, इस तरह के लोग होते हैं। तो एक दो चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी, बहरहाल दे सबमिटेड, और उसके बाद मुझे 4 दिन के बाद कॉल आई, यार आपका पासपोर्ट रेडी है, कम एंड कलेक्टेड। तो वो मैंने कलेक्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैवल कैसे करना है। रूल बड़ा सिंपल है यूरोप का, अगर यूरोप आप जा रहे हैं तो आपकी बुकिंग सारी एडवांस होनी चाहिए,
अगर आपकी एडवांस बुकिंग नहीं होगी तो आपका जो आप अगर $6,000 में प्लान किया आपने अपना ट्रिप, तो वो $12,000 या $15,000 हो जाएगा अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी तो। प्लान आपने किस तरह से, मैंने किस तरह से प्लान किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट ली, जब मेरा यूरोप का विजिट कन्फर्म हो गया वीज़ा, तो मैंने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किया उसी वक्त टर्की का, जो मुझे 3 मिनट के अंदर ऑनलाइन वीज़ा आ गया। उसमें क्या होता है, उनकी ई वेबसाइट पे आप जाएं डायरेक्ट और अपना शेंजन का वीज़ा नंबर डालें तो आपको वो ऑनलाइन वीज़ा ₹25 उमानी उसकी फ़ीस है, ऑनलाइन वीज़ा आपको भेज देते हैं। जब मेरे पास वीज़ाज आ गए, दोनों शेंजन वीज़ा भी आ गया मेरे पास, जिससे मैं 27 मुल्क जो है वो शेंजन की कवर कर सकता हूँ, और टर्की का वीज़ा भी आ गया, तो मैंने अपनी जो इंटरनल बुकिंग्स थी होटल की बुकिंग्स तो मैंने करवा ली थी। जो इंटरनल मैंने ट्रैवल करना था बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन या बाय मेट्रो जो भी, वो मैंने फिर देखना शुरू किया। तो मैंने टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट ली जो 28 फरवरी को उड़ती है मस्कत से, उसके बाद मैं लैंड करता हूँ 28 फरवरी को ही इस्तांबुल में। अगली एपिसोड में कवर अप करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया और अभी बहुत मुल्क बाकी हैं और बहुत सारी मेन जो स्टोरीज हैं वो बाकी हैं। सो डू सब्सक्राइब, क्लिक बेल आइकन, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपसे।